ओकेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सोट स क्लोज ऑर्गन पाइप कैन वाइब्रेट एट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव हंड्रेड हर्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड फाइन सो वट इज गिवन हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मीन्स एक एंड क्लोज्ड है एंड एक एंड ओपन है राइट दैट इज क्लोज ऑर्गन पाइप नाउ मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है राइट और मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है दैट इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में यू कैन से फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होती है सो so, देखो इस तरह से होगा जैसे uh, हम पी वेव की बात करते हैं इधर आप पी वेव ड्रॉ कर सकते हो या फिर यू नो डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ कर सकते हो दोनों सेम चीज़ है सो लेट्स इस डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म्स में हम बात करते हैं देन डिस्प्लेसमेंट वेव का क्लोज एंड पे नोड होता है एंड ओपन एंड पे एंटी नोड होता है सो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा इस तरह से एक हाफ लूप बनेगा एंड वॉट इज द लेंथ ऑफ हाफ लूप दैट इज़ लेमडा बाय फोर राइट सो लेमडा बाय फोर विल बी द लेंथ ऑफ द ट्यूब है ना सो यहाँ से देखो वेव कितना आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एल नाउ फ्रीकवेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई वेव सो स्पीड कितना गिवन है स्पीड है 340 फोर्टी डिवाइडेड बाई वेव कितना आ गया फोर एल दैट इज़ द वैल्यू ऑफ़ फ्रिक्वेंसी और फ्रीकवेंसी कितनी दे रखी है 500 हंड्रेड हार्ट्स सो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा 340 फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर इंटू फाइव सो ये कितना हो गया टू थाउजेंड राइट सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये हंड्रेड टू uh, से डिवाइड कर देते हैं सो so, नीचे हंड्रेड आ जाएगा ऊपर सेवनटीन आ जाएगा सो जीरो पॉइंट वन सेवन मीटर और यू कैन से सेवनटीन सेंटीमीटर सो आई थिंक यू हैव अंडस्ट लेट मी नो स्टिली कन्फ्यूजन ओके इसकी वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लाइफ में